चुपचाप बैठिए। ये तो बिल्कुल ही ईमानदार आदमी है और खूब बढ़िया से काम कर रहे हैं। अरे इनका बात सुन लीजिए, बैठिए। खैर कहा मतलब क्या बात कर रहे हैं? तू आई भी लौट के नहीं। बिजली का दुरुपयोग भी रोकने के लिए हम लोगों को इंतजाम करना चाहिए। दिन में भी लाइन जलता रहता है। आप लोगों को निकल के जाना है? आप पहले से जानते नहीं थे? आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं? कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं? आप सब लोग रहे एक एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सब की सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं, तो आप लोग कुछ सोचिए भाई, चुपचाप बैठिए। ये तो बिल्कुल ही ईमानदार आदमी है और खूब बढ़िया से काम कर रहे हैं। अरे इनका बात सुन लीजिए, बैठिए। खैर कहा मतलब क्या बात कर रहे हैं? आप एक मिनट सुन लीजिए, आप एक मिनट सुन लीजिए। जरा अन्य राज्यों का महोदय, बगल के राज्यों का बिल भी ये लोग देखे और बिहार के कंज्यूमर को बिल भी देखे। अगर अन्य राज्यों से ज्यादा महंगा होगा तो हम निश्चित रूप से सस्ता करेंगे, और नहीं तो अनावश्यक कुछ बोलते रहना है, अनाप शनाप बोलते रहना है। जैसा मैंने कहा महोदय, 3 लाख करोड़ ड्यूज है, ये फ्री बिजली कब तक चलेगी? कहां से आएगा पैसा? पैसा कोई गास में फलता नहीं है, पैसा तो कहीं ना कहीं से पब्लिक के पास जाएगा। इसीलिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से ये कॉन्सेप्ट रहा है कि फ्री बिजली के हम खिलाफ है, किसी चीज में फिर सस्ती बिजली। उन्होंने कहा भी, घोषणा भी किया था कि गरीब गुरबा गांव गरीब सभी को मुफ्त फ्री बिजली नहीं, लेकिन उसके बिल में लिखा हुआ रहेगा कितना। मैंने जैसा कहा लगभग 14,000 करोड़ से अधिक, जी 14,000 करोड़ से अधिक हम लोग देते हैं उसमें सब्सिडी। अब इससे बेसी क्या सुविधा चाहिए? और ग्रामीण क्षेत्र में साधारण कंज्यूमर का और ज्यादा है, शहर में उससे सस्ती बिजली मिलती है। इसलिए महोदय, अब स्वाभाविक है, पार्टी है, अपनी अपनी विचारधारा है। आज से 10-15 दिन पहले महागठबंधन की सरकार थी तो 4 लाख नौकरी मिली तो उसका श्रेय ले रहे हैं, और बिजली में प्रॉफिट में कंपनी गई तो उसका श्रेय मुख्यमंत्री जी को नहीं है, उसका श्रेय उनको है। संविधान में व्यवस्था है महोदय, टू एड एंड एडवाइज देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद में कोई गौरव नहीं होता है, कोई वोटिंग नहीं होता है। इसलिए आज अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है तो बिहार में नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूशनल सुविधा है, लेकिन संविधान से क्या मतलब? इन लोगों को क्या मतलब संविधान से? पलटी मार कहते हैं। जरा बताइए, 95 में आए थे कांग्रेस के खिलाफ ना आए थे? 97 में जब आरजेडी बनी किसके समर्थन से सरकार बना था? कांग्रेस, जो कांग्रेस इनके बाप को जेल में बंद किया, हम लोगों को भी जेल में बंद किया, उसके साथी कैसे चले गए? वैशाली में कहा था कि मेरी लाश, मैं घुटना टेक मुख्यमंत्री नहीं हूं, मेरे लाश पर बिहार का बंटवारा होगा। और जब कांग्रेस ने समर्थन दिया तो कैसे कैसे राबड़ी जी की सरकार को बचाने के लिए झारखंड के मामले में सहमति हो गई? तो बोलते कुछ है, आचरण कुछ है। आज राजनीति की विरासत यह है महोदय, बोली में और कर्म में महान अंतर वाले जो लोग हैं वही अपने को क्रांतिकारी मानते हैं। जो काम करता है परिणाम देता है, उसकी चर्चा लोग नहीं करते। हमारे यहाँ मिथिला में कहावत है, हर बहस वो खौर खाया बकरी खाया चार। तो जो काम नहीं करे वो पूरा पूरा वातावरण, परिवार,
अब नीतीश जी के कृपा से ही दो बार जो उप मुख्यमंत्री बना, आज बड़का भारी नेता क्रांतिकारी हो गया। नौवा पास भी नहीं है, नौवा पास का कोई परीक्षा तो होता नहीं, लेकिन इनके कृपा से दो बार उप मुख्यमंत्री बने। बाप की कृपा से नहीं, पिताजी की कृपा से नहीं, पिताजी की कृपा से जरूर पत्नी बनी, माँ बनी उनको, लेकिन यहाँ क्रांतिकारी भाषण दे रहे हैं। तो अद्भुत चीज है, वचन कर्म में महान अंतर। आज देश की राजनीति की विरासत के लिए खतरनाक स्थिति है महोदय। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आचरणहीन नहीं चल सकता है।